अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं ट्राउज़र का कट वाला सिंपल डिज़ाइन, जो तिरछा इसमें कट आता है वो वाला हम डिज़ाइन बनाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये लगता है, लॉन और कॉटन के कपड़ों पे आप बनाएं तो सिंपल सा ये अच्छा सा बीट्स के साथ ऊपर 3-4 बीट्स लगा दें तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन होता है, बहुत खूबसूरत होता है। और ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पे हमारा कट का निशान है। अगर नीचे फोल्डिंग का भी मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि 2 इंच हमारे फोल्ड होगा। और यहाँ पे हम सिलाई साइड वाली शुरू करते हैं, जो पैंट की ट्राउज़र की साइड पे सिलाई लगी हुई होती है। तो ये सीधी सिलाई हम नीचे पहुँचे तक इस तरह से लगाते हुए ले जाएंगे। ऊपर से हम आधा आधा इंच इसमें सिलाई में लेंगे कपड़ा, और नीचे जाकर इसमें तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ा कर देंगे, ताकि हम जो पहुँचे की सिलाई लगाए ना, तो इसमें ये हमारा कपड़ा फोल्डिंग में काम आए। तो क्योंकि ये तिरछा कपड़ा हम इसमें लेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पे ये मैं कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से यहाँ पे आपने चौड़ा कपड़ा लेना है जहाँ पे मैंने सिलाई रोकी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसको हम बढ़ा रहेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे ये यहाँ पर नीचे से भी इसमें 1.5 से 2 इंच हो जाएगा चौड़ा। तो फिर इसमें कट क्या होता है, कट की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अगर सिंपल हम कट रखें ऐसे सीधा ही, तो वो एक तो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है और दूसरा उसमें खूबसूरती नहीं आती। सुइयों की मदद से हम इसको प्रेस अच्छे से ऐसे करते जाएंगे और इसकी सिलाई यूँ लगाते जाएंगे। यहाँ पे लाकर हम इसको भी फोल्ड कर देंगे अच्छे से, इसका ये यूँ कोना बनाकर यहाँ पे स्टिच कर देंगे, जैसे वहाँ से हमने बनाया था। क्योंकि यहाँ से सफाई होगी तो बहुत ही प्यारा हमारा ट्राउज़र लगेगा। यहाँ पे फिनिशिंग से ही सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यूँ नाप कर लेंगे दोनों पौंचों को, ताकि आगे पीछे हमारा पौंचा ना हो जाए। जहाँ पे ये हमारा कपड़ा ख़त्म होगा वहाँ पे हम अच्छे से फोल्ड करके इसको उंगली की मदद से प्रेस कर लेंगे। फिर इसमें हम ये देखें ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे, जैसे दूसरी साइड पर लगाई है। दोनों सिलाई हमारी ये लग गई है कट की। ये देखिए कट अब कितना प्यारा लग रहा है इसमें तिरछे शेप के में आकर। अब ये दूसरी साइड हम यहाँ पे यूँ करके पौंचे की जो नीचे फोल्डिंग का कपड़ा मैंने 2 इंच छोड़ा था, यहाँ पे यूँ फोल्ड करके अच्छे से इसको यूँ बिठा के, चाहे तो आप इस्त्री की भी मदद से बिठा सकते हैं। तो मैंने ये उंगलियों से बिठा लिया इसको, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। तो इसको अच्छे से यूँ प्रेस करके हम इसकी सिलाई भी आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पर कोने पर इसको पक्का कर देना, मैंने अभी नहीं किया, इसको मैं बाद में पक्का कर दूँगी। आपने इसको यहाँ पर सिलाई को ज़रूर पक्का करना है। और दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही सेम सिलाई लगाएंगे, और इस दोनों को इस तरीके से हम पकड़ कर ऊपर से नाप कर लेंगे, ताकि यहाँ पर भी हमारा कोना आगे पीछे ना हो पहुँचे का, एक जैसे ही पहुँचे आए। ये देखें इस तरह से इसको भी अच्छे से यूँ उंगली की मदद से प्रेस करके हमने ये निशान लगा लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये हमारी सिलाई आसानी से लग जाए। आगे पीछे हो जाता है तो कपड़ा बहुत ही बुरा लगते हैं, क्योंकि डिज़ाइन फिर इसी तरीके से हम ये जब प्रेस कर लेते हैं निशान, या कोई पेंसिल का लगा लें या चौक का, तो बहुत ही अच्छी सिलाई लग जाती है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। आप देखें, आप इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, और जहाँ से मैंने सिलाई पक्की नहीं कर रही थी वहाँ पर मैंने सिलाई भी अब इसको पक्का करके लगा दिया। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, जितनी हमारे पौंचे की फिटिंग होगी मैंने वहाँ से ये कपड़ा यूँ फोल्ड करके इसको ये सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो हम ये ऊपर आसन तक इसकी सिलाई ले जाएंगे। तो आसन की मैंने ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, दूसरा पौंचा बनाऊंगी उसके साथ ही इसको अटैच कर दूंगी मैं आसन की सिलाई लगाकर। हम इसको दूसरी सिलाई भी पक्का करके लगा रहे हैं, ताकि सिलाई हमारी खुल ना जाए। डिज़ाइन हमारा बनकर देखें ये रेडी हो गया। इस तरीके से आप चाहे तो बीट्स लगा सकते हैं, या फूल जिस तरह से ये मैंने लगाए ऐसे टाक सकते हैं, क्योंकि इसको मैं नीडर से अच्छे से पक्का कर दूंगी। और अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना आगे नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन ऐसे मिलते रहें। तो ये देखिए, अगर सिंपल हमारे कॉटन के कपड़े होते तो अक्सर हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम कैसे बनाएं। तो इसी तरीके से कट लगाकर और छोटे से बीट्स लगाकर तो आप बहुत अच्छे अच्छे से अपने डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया। और बहुत ही ये सिंपल और आसानी तरीके से बन जाता है। और इसकी खूबसूरती देखिए, कट की इस तरीके से बहुत ही अच्छी आती है। जब हम इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। नीचे से भी मैंने पहुँचा जब इसको स्टिचिंग किए तो फोल्ड कर दिया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।